Hey, are you in a panic situation due to the COVID-19? Are your businesses struggling in this pandemic situation? So why don't change this pandemic situation into an opportunity? Hey, आपदा को अवसर में बदलना है, right? और मैं अवनीश बाजपेई, डिजिटल मार्केटिंग गुरु, आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ बिजनेस फंडाज, कुछ बिजनेस आइडियाज। ये स्मॉल बिजनेस आइडियाज, छोटे छोटे लेकिन बड़े ही मोटे मोटे, बड़े ही काम के आइडियाज आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको उस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से एक एक करके हर बार बताऊंगा कौन सा बिजनेस इस समय कोविड-19 2020 जो कि करोड़ों लोगों की नौकरियां ले गया है, आप कैसे अपने को इन सबसे बाहर लाते हुए एक नए बिजनेस के साथ, एक नए इनोवेशन के साथ, एक नए एंटरप्रेन्योरशिप प्लान के साथ अपने को स्टैंड कर सकते हैं। तो आइए, आज क्या है हम लोग देखते हैं 2021 में कौन कौन से ऐसे संभावित आपका बिजनेस जो कि काम कर सकते हैं आपके लिए। तो मैं ऐसे आपके लिए करीब करीब आपका 40 से 50 बिजनेसेस को डिस्कस करूंगा और इसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी बेस्ट हो आप उसके लिए चूज कर सकते हैं। तो मैं हूं अवनीश बाजपेई, आपको जो आज बताने वाला हूं वो है आपका तमाम छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज के बारे में। बट ध्यान रखिए, किसी बिजनेस को चूज करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, वो होता है बिजनेस मैपिंग। जो भी कोई भी बिजनेस है, द डेफिनेशन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन इंडिया इज वेरी सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरर्स। कोई भी एक बिजनेस हर जगह एक जैसा काम नहीं करता, राइट? बिजनेस डिपेंड करता है मार्केटिंग पर, बिजनेस डिपेंड करता है डेमोग्राफी पर, बिजनेस डिपेंड करता है डिमांड पर। आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जो मार्केट है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर डेमोग्राफी आती है, लोग क्या, उनके जेंडर बायसनेस है, लोगों के इंटरेस्ट क्या है, एज ग्रुप क्या है, तमाम ढेर सारी चीजों पर बिजनेसेस डिपेंड करता है। इसको अगर मैं मोटा मोटा आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, सपोज दैट आप एक फोटो स्टूडियो खोलना चाहते हैं, राइट? और वो फोटो स्टूडियो अगर आपने गांव में जाके खोल दिया तो यार गांव में तुम्हारे फोटो स्टूडियो में कोई लोग पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाने वाले चला है ना, उसके अलावा तो नहीं आने वाला कोई, राइट? आप पास कोई अगर किसी जगह पर मॉडलिंग के लिए जाने वाला आपसे वो प्रोफेशनल फोटोशूट कराने तो तुमसे गांव में आने वाला नहीं, इसके लिए आपको खोलना पड़ेगा मुंबई में जाके, राइट, एक फोटो स्टूडियो। तो बिजनेस को चुनने से पहले आप मार्केट एनालिसिस करिए, आप डेमोग्राफिक एनालिसिस करिए और उसके बाद किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम धंधे में उतरिए। ये मेरी आपको पहली सलाह। और आप सबको पता है कोविड-19 का छोटे स्मॉल बिजनेसेस पर क्या इंपैक्ट पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा भारत इस कोविड-19 की वजह से हर जगह पर, किसी भी पर्टिकुलर आपका स्टेट में देख लीजिए, किसी भी शहर में देख लीजिए, परेशानियां हैं लोगों के पास। खासतौर पर लोअर जो इनकम क्लास ग्रुप है उसके साथ परेशानियां ज्यादा है, राइट? और आप सब ने लगातार एनालिसिस देखे हुए कैसे हमारी जीडीपी आपका 40 साल में पहली बार आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट, यस, करीब 21% आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट हमारी जीडीपी में रही। इसका सीधा सीधा असर है कि करोड़ों करोड़ लोग आपका इस पर्टिकुलर टाइम पर बेरोजगार हुए, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हुई है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, आज आपके लिए पहला बिजनेस आइडिया है। या आप अगर एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ कुछ घंटे काम करके आपका कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, आप एक हाउसवाइफ है, आप एक स्टूडेंट है, तो भी आपके लिए तमाम ढेर सारे बिजनेस आइडियाज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहला है वर्चुअल असिस्टेंट। ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है भाई? वर्चुअल असिस्टेंट जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिजिकली कहीं पर भी, राइट, लेकिन असिस्टेंट सहायक के रूप में काम कर रहा है। आज के टाइम पर क्या है भाई, तमाम ढेर सारी कंपनियां, ये अमेज़न हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, इनको बहुत ढेर सारे लोग चाहिए होते हैं, राइट? जो इन आप जैसे नहीं, आपने कोई सामान खरीदा अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से या ईबे से या स्नैपडील से, कहीं से भी, फलाना ढिकाना, जहां से भी आप सामान खरीदते हैं, कोई दिक्कत होती है आप कस्टमर केयर को फोन लगाते हैं। अब अगर कंपनी एक सेटअप करेगी अपना कस्टमर केयर ऑफिस, तो उसके बाद उनको एक जगह चाहिए होगी, लोगों को बिठाना पड़ेगा। और कोविड-19 के तमाम आपका जो इस समय साइड इफेक्ट्स हैं, तो कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब कंपनियां क्या कर रही है आजकल, जो आपका इस तरीके के असिस्टेंट है उनको हायर कर रही है और इनको अपना वो टेक्निकल और मैनुअल सपोर्ट कस्टमर्स को देने के लिए कहती हैं। तो ये जो आपके
ये असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट है, इनका काम क्या होता है, जो भी टेक आपके कस्टमर इन कंपनीज के हैं उन कस्टमर्स को भाई उनको फोन कॉल पर जवाब देना, उनकी डाटा एंट्री करना, अपॉइंटमेंट अगर कोई है तो वो शेड्यूल कर देना। इसके लिए आपको चाहिए क्या होता है, इसके लिए बस दो तीन चीजें आपको चाहिए। एक तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए किसी भी कंपनी में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बेटर कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरे नंबर पर आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें कि रैम कम से कम 2 GB और 100 GB का हार्ड डिस्क वगैरह हो, अच्छे से आपका जो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह के साथ काम कर सके। इंटरनेट कनेक्शन भी मस्ट है, थोड़ा बेहतर स्पीड यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। और साथ में जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हो, तो रिटेल मार्केट का आपको, रिटेल मार्केटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब बात आती है यहां पर कि जब आप ये सारे काम करोगे, आप कस्टमर्स की क्वेरीज के आंसर्स करोगे, जो परफॉर्म करोगे टास्क, तो इसके बदले आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट पेड डियर। यस, आप सबसे बड़ा सवाल ये आता है हमें इंडियन साथ, आखिर ना आपने देखा ना कितना देती है माइलेज जरूर पूछते हो, और कितना दोगे यानी आपका पैसा कितना मिलेगा। तो बड़ा ज्यादा आपका यहां पर काम करना शुरू करो, शुरुआत आपका आज के टाइम पर एक वर्चुअल असिस्टेंट करीब 200-250 रुपए पर घंटे से करता है, और ये आपका 2500-3000 रुपए पर आर तक हो सकता है। राइट, यस, आपने करेक्ट सुना, 200 रुपए से लगा के 2500-3000 रुपए पर आर तक आप पेड कह सकते हो, डिपेंड ऑन आपका एक्सपीरियंस, कितना बेहतर आपकी जो है कस्टमर क्वेरीज को आप टैकल करते हो, उसके अलावा आपको तमाम जो टास्क वगैरह दिए जा रहे हैं आप उनको कैसे परफॉर्म करते हो। तो इसके लिए आप की क्वालिफिकेशन कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, इधर यू आर 10th पास, इधर यू आर द हाउसवाइफ, इधर यू आर द स्टूडेंट, आप किसी भी तरीके से इसको एडॉप्ट कर सकते हो, एज अ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर इसको स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको एक साइड बिजनेस के रूप में अपना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने ट्यूशन की, अपने कॉलेज की फीस निकालनी तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। घंटे दो घंटे आप रोज दीजिए, घर पे बैठ के दीजिए, इस कोरोना काल में आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पैसे कमाइए। राइट, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट आजकल के युवाओं के लिए एक बेहतर रोजगार है, क्योंकि कोविड 19 के टाइम पर जब तक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी तब तक आपका इस तरीके के जॉब्स के अवसर आते रहेंगे। तो डियर आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हुआ तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दूसरे वीडियो में मिलेंगे ऐसे एक जोरदार तरीके के आपका बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच।